और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वास्थ्य पर। सबकॉन्शियस माइंड और हेल्थ, इनका क्या रिश्ता है दोनों के बीच में? कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, कैसे अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है हमारी बन चुकी हैं कई सालों से, बचपन से, उन्हें बदल के जो स्वास्थ्यवर्धक खाना है, जो हेल्दी फूड है, उसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एन के शर्मा जी, जो कि नेचुरोपैथ है और लाइफ कोच है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को। जी तो एन के शर्मा जी, ये बताइए हमें कि सबकॉन्शियस माइंड से इस्तेमाल करते हुए इसका हम कैसे अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हील कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, हमारी एक पहले वीडियो बनी थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि आफ्टर ऑल व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज ए कंडीशनड पर्सनालिटी, और बचपन से वो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में लेकर पैदा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें वो प्रोग्रामिंग करता है बचपन से, और जवानी होने तक बहुत सारी चीजें उसके माइंड में रिकॉर्ड होती रहती है, और फिर वो हमारे लाइफ का जो है एक हिस्सा बन जाती है। जी, तो जितनी भी हमारी ईटिंग पैटर्न्स हैं, हमारी जो हैबिट्स वगैरह हैं, वो सब जनरली वो ट्रेडिशन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती है बेसिकली, कि हमारा ट्रेडिशनल जो हैबिट कैसे होती है। जनरली क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि जो अग्रवाल फैमिलीज, मारवाड़ी फैमिलीज और जितनी भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो फैमिलीज आप देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उन सबके अंदर जनरली आप बनिया फैमिली में आप देखोगे कि अधिकतर लोगों के पेट आगे आए हुए होते हैं, इनके सर गंजे होते हैं, और ये सब 40-50 के बाद में कोई कोई हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब से सफर कर रहे होते हैं, जिसको ये लोग सब लोग नॉर्मल मान के चलते हैं। तो होता क्या है कि जो माँ बाप, जो पेरेंट्स जो है, जो खास करके मैं बाप की तो बात शायद कम करूंगा, माँ जो सीख कर आती है अपने परिवार से, वो सेम हैबिट आगे अपने बच्चों में भी डाल देती है। अगर माँ सुबह सुबह अगर बेड़मी पूरी खा रही है, पराठा खाना पसंद करती है, तो यानी तो उस जिस परिवार में माँ जाती है शादी होकर, उसमें अगर सुबह सुबह सबको पराठा खाने का आदत है, अब वो सब सुबह सुबह जितने बच्चे पैदा होंगे वो सुबह सुबह सब पराठा खाएंगे, यानी तो अभी गुजराती है तो ढोकला खाएगा, साउथ इंडियन है तो वो तो इडली खाए, डोसा खाए बिना रहेगा नहीं। तो ये सब जो हमारी कल्चरल जो बचपन से जो हैबिट जो एक बार हमारे अंदर डेवलप हो जाती है ना, फिर हमारा माइंड जो है ना वो कंडीशनड हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग जो है कंडीशन पर्सनालिटी है, तो हम जो चीज का अभ्यास करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब इस हैबिट को अगर किसी को अगर तोड़ना रहे तो थोड़ी दिक्कत बहुत आती है। क्यों? कारण क्या होता है कि परिवार में रहकर जहां चारों तरफ जो वातावरण होता है, वहां पर एक आदमी को विल पावर को मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसके स्टिमुलेटर बहुत है, उसको उत्तेजना देने वाले लोग बहुत है। मैं आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरी कंसल्टेशन में जब मरीज मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि प्लीज आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर आइए, तो वो बोले क्यों? मैं बोला इफ आई कैनॉट क्योर योर फैमिली देन आई कैनॉट क्योर यू ऑल्सो, क्योंकि मैं अगर आपको तो बता दूंगा कि जाओ जी घर जाके ऐसा ऐसा खाना खा लो जी, लेकिन आपके परिवार वाले जो है आपको परेशान कर देंगे, अपने ओपिनियन, अपने जो धारणाएं होती है, मान्यताएं, वो उसको थोप रहे होते हैं। अरे रोटी खाए बिना कोई चलता है क्या? अरे सुबह चाय पिए बिना कोई चलता है क्या? अरे इतना तो खाना ही पड़ता ना, ऐसे मर मर के जीने का क्या फायदा? इस तरह की जो उनकी कंडीशनिंग होती है वो हम पर थोप रहे होते हैं। तो इसलिए हम अपने अकेले के ही कंडीशन पर क्या माइंड के सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं है, हम अपने आसपास के दोस्त, मित्र, अपने माता पिता, परिवार के भी कंडीशन माइंड के बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो इसीलिए जब तक हम इनके मान्यताओं में बदलाव नहीं आता ना, तब तक किसी भी आदमी में बदलाव नहीं आता। अब देखिए, अभी मेरे मैं
क्यों खाने पीने के मामले में थोड़ा सा क्यों चेंज हुआ। आसान नहीं था चेंज करना, क्योंकि हमारी पुरानी हैबिट हमें बार बार उसी खाने की तरफ खींच रही होती है जोर जोर से। हमारे जो चटपटे खाने का जो मसाला, जो मसाले की आदतें होती है, वो हमें खींच रही होती है। तो मैं 25 साल की उम्र तक मैं इतना चटोरा था खाने पीने का कि जिसके कारण मैं एक दिन बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के बाद जो है जब बीमारी का बहुत दुख देखा तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, मुझे कुछ योगा करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे खाने पीने में अब ये बाजार का नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो होता क्या मालूम है, ऐसे तो देखो कि आप कहो कि थ्रू सबकॉन्शियस माइंड वी विल बी एबल टू चेंज, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड का अगर कोई आदमी चेंज करना चाहते तो पहली चीज क्या मालूम है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि दो तरह से आदमी बदलता है दुनिया में। एक तो होता है कि दुख और रोग आकर उसके दिमाग में परेशानी डालते हैं और उसको मजबूरन चेंज करने के लिए मतलब मजबूर होना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि जो लोग डायबिटिक है, जो लोग हार्ट डिजीज वाले हैं, अब उनको डॉक्टर कहता है कि भैया अब तुम्हें तेल घी बिल्कुल नहीं खाना है तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या तुम्हें डायबिटीज है तो घूमना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि डायबिटीज वाले अब सुबह सुबह उठ के घूमने जा रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो है पहले क्यों नहीं जाते थे भैया कि नहीं साहब डंडा नहीं पड़ा जी कोई सर पे आके। अब देखिए क्या होता है, बोलते ना भय बिना हो न प्रीति, यानी कि भय नहीं था तो वो प्रीति नहीं हो रही थी उस एक्सरसाइज के ऊपर। तो देख तो मैं क्या देखता हूँ कि अब आदमी के अंदर एक्चुअल जो बदलाव आता है ना, वो उसके यहाँ तो कॉन्सेप्ट में, माइंड सेट में, मान्यताओं में चेंजेस आए, और वो चेंज जो है उसको जगाने वाला कोई प्रॉपर आदमी मिले और उनको गाइड करे। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग जो है ना उससे बदलने लग जाते हैं और उनको सबकॉन्शियस माइंड को उतना ज्यादा मतलब लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका उसके उसको लॉजिकली वो बात बहुत समझ में आ गई। तो अब वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपनी लाइफ में थोड़ा 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 हेल्दी फूड, या नहीं तो जो गलत फूड है उसको कम, हेल्दी फूड थोड़ा जोड़ने लगता है और गलत फूड को थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर एक समझ आ गई कि यार ये खाना मुझे ज्यादा खाऊंगा। तो मेन चीज जो होती है वो अवेयरनेस होती है। तो अवेयरनेस जो है वो जो है जितनी जल्दी मिल जाए तो फिर सबकॉन्शियस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबकॉन्शियस की जरूरत तो पड़ती है कि जब आप इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि मैं मेरे अंदर एक चेंज आए, तो फिर आप क्या करोगे, देखिए तभी तो आप सुबह सुबह उठोगे, अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करोगे। देखिए पहली बात तो हर आदमी को रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है कि ये मेरी वीकनेसेस है भाई, ये मेरी विल पावर कमजोर है भैया मैं इससे मुक्ति नहीं हो पा रहा हूं, मैं चाय से छुटकारा नहीं मिल रहा भैया, मेरा चटपटापन से मेरा छुटकारा नहीं मिल रहा है मान लो। तो अब वो उसकी पर्सनल जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगी ना, तो वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करेगा ही क्यों, सवाल ये यहाँ पे ये पता होता है ना। देखिए आदमी को आदमी की हैबिट चेंज करने में दो ही चीजें काम करती है, या तो कोई अवेयरनेस, यानी तो कोई डर, और यानी तो फिर उसकी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको चेंज करना पड़ता है। अभी देखिए मैंने कुछ तो बीमारी के डर के मारे और मजबूरी में मैंने कई चीजें चेंज तो कर दी, फिर वो मेरी हैबिट हो गई। अल्टीमेटली आई मीन मैं अब दूसरी हैबिट का आदि हो गया, तो और वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गई। अच्छा अब इसीलिए बाकी मैंने कैसे चेंज किया मैं थोड़ा बता देता हूं, तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाउ दे ऑल्सो कैन चेंज। देखिए मैं रोज सुबह जब मैं उठता था तो मुझे चूंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे जानकारी थी, तो मैंने क्या किया कि मैं रोज अपने आप को क्या मुझे चाहिए, तो मुझे क्या लगता था कि जब भी मैं मान लो मैं शादी ब्याह में जाता था तो वहां पे इतने खाने पीने देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था और मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेता था, तो बाद में आके पछताता था कि यार क्यों खा लिया बेकार में ऐसे। तो मुझे लगा कि यार मेरी विल पावर कहीं ना कहीं जाके थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो फिर मैंने डाला अपने माइंड में कि वेन एवर आई गो टू एनी पार्टी आई ऑलवेज, देखिए लोग तो उत्तेजना देंगे भाई साहब ये तो खाना पड़ेगा, भाई साहब ये तो बहुत अच्छा बना है। अब हाँ वो तो उस समय आप उनको संकोच के मारे, उसको प्रेम के मारे भी आपको खाना पड़ता है। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा कि नो
तो मैंने अपने माइंड में डाला रोज अपने माइंड में कि क्योंकि मैंने आपको पहले के सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो में बताया कि नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट, फोकस ऑलवेज व्हाट यू वांट। तो अगर देखिए क्या होता है कि हर आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। अगर आप अपने नेगेटिव हैबिट्स को, वीकनेसेस को ही बार बार फोकस करोगे कि यार मेरा तो कंट्रोल नहीं होता यार, मेरा वीक में विल पावर बड़ा कमजोर है यार, मेरे को तो यार खाने का बड़ा शौक है यार, तो आप बार बार उसको और एम्पावरिंग करके उसको पहलवान बना रहे होते हो, तो फिर आप उसे लड़ नहीं पाओगे। तो आपको उसको कमजोर बनाना है, तो यू डोंट हैव टू फोकस योर हैबिट एंड यू डोंट हैव टू रिपेंट। आपको ना पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप जब हम करते हैं ना, मान लो खाना खा लिया, अब आप पश्चाताप क्या करते हो, यार नहीं खाना चाहिए था यार, बेकार में खा लिया यार। तो आप है ना बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हो। तो इसीलिए आप एक बार रिकॉग्निशन कर लो कि यार ये मेरी वीकनेस है कि मैंने खा तो लेता हूं और बाद में के पछताता भी हूं। पहचान लो, एक दो बार पहचान लो, बाद में क्या करो मालूम है, देन आई सेड व्हाट यू वांट। तो व्हाट यू वांट में क्या करना है, अब आपको जो चाहिए उसको रोज एक अफर्मेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे कि व्हेन मैं जब भी पार्टी में जाता हूं मैं हमेशा स्वास्थ्यवर्धक आहार का चुनाव करता हूं, मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेता हूं और मैं हमेशा चबा के खाता हूं। तो आपको आपकी जो जो वीकनेस जो जो आपको लगती है, मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठते हो और आप अगर अपनी आपकी मिस आपके माता जी या आपके वाइफ या आपके दोस्त मित्र जोर से फोर्स करते हैं यार एक रोटी तो लेनी पड़ेगी यार, एक रोटी तो लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है ना ऐसे, तो अगर आप है ना कमजोर पड़ जाते हो, तो आपकी असली प्रॉब्लम क्या मालूम है, कमजोर पड़ने की, वो आपकी अपनी हैबिट है। देखिए लोग तो 10 तरह की बातें करते हैं कि ये खाना पड़ेगा जी, खाना पड़ेगा ऐसे, तो मैं तो ये चीजें जो है वो मैंने भी कैसे डेवलपमेंट की बता रहा हूं कि अगर हम अवेयरनेस के साथ खाते हैं। देखिए मैंने जनरली इसमें सबकॉन्शियस को कम उपयोग किया और मैंने इसमें अवेयरनेस को ज्यादा उपयोग किया। मैंने देखा कि मैं क्यों खा लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक लोगों के प्रति संकोच होता है, मेरे अंदर एक इमेज होती है कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे नहीं यार बेकार में मेरे लोग इगोइस्टिक मानेंगे। तो आपके अंदर ये जो अपनी जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम के आप जल्दी नहीं बदलते हो आप। तो इसीलिए आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, देखिए आपके मान्यताओं में बदलाव आना चाहिए कि यार ये शरीर मेरा है, आधी रोटी भी अगर ज्यादा खा ली तो भुगतान मेरे शरीर को करना पड़ेगा, सामने वाला तो खिला के खुश हो जाएगा लेकिन मेरा शरीर तो खुश नहीं होगा ना, कल भुगतान मुझे करना है, घर जाके मैं भोगूंगा, कल जाके सोडा मुझे पीना पड़ेगा, इन मुझे चूर्ण मुझे खाना पड़ेगा बेकार में, थोड़ा सा भी अगर खाना ज्यादा खा लिया मान लो। तो अब ये क्या होता है कि ये जब तक आपके मान्यताओं में बदलाव नहीं आता। अब देखिए मैं सोचता हूं कई बार कि मैं सुबह सुबह जब घूमने निकलता हूं ना, जैसे 5:30 बजे 6 बजे हम उड़ के निकल जाते हैं पार्क में, तो फिर दिमाग में एक ही बात आती है और मैं देखता हूं कि सब घर जो है बंद पड़े हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, इक्के दुक्के घर खुले हुए हैं जिसमें से लोग बाहर निकले हुए हैं, तो मैं क्या सोचता हूं, ये लोग जो है सब सो रहे हैं और मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे बाहर आके पार्क की तरफ भाग रहा हूं। मैं क्या क्यों भागता हूं यार, क्या जरूरत पड़ गई मुझे पार्क की तरफ भागने की। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे अंदर एक जागृति आ गई अवेयरनेस के भैया बीमार नहीं पड़ना यार, अपने शरीर को थोड़ा तो मूवमेंट देना चाहिए, ऐसे हाल से सुस्त बनने से कोई फायदा नहीं है, आज अगर ऐसा नहीं किया तो कल मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो ये जो इंटरनल जो डायलॉग जो चलते हैं हमारे अंदर, जो हमारे हेल्थ के लेकर, वो हमें स्टिमुलेट कर करके हमें घूमने भेजते रहते हैं। जैसे मैं कई बार एक्सरसाइज रोज करता हूँ ना, तो कई बार मेरा दिमाग क्या बोलता है, यार अब रोज तो करता है ना, आज रहने देना, आज क्या बेकार, आज चल जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है कि जहां एक बार अगर आपने डालने की आदत डाल दी ना, तो आप देखना कि नेक्स्ट डे आपका मन फिर कहेगा यार कल कर लेंगे ना यार। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने टालने की आदत, एवरीथिंग इज हैबिट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअल है हमारा, अगर मैंने 4 दिन किसी काम को टाल दिया ना, मैं बाद में कर लूंगा प्रोक्रास्टिनेशन, तो आप समझ लेना कि आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। इसीलिए मेन चीज क्या होती है, या तो भय चाहिए या अवेयरनेस चाहिए, और जिन लोगों को सचमुच इंटरेस्ट है तो देन दे कैन यूज देयर सबकॉन्शियस माइंड, और वो रोज बैठकर आपकी जो कमियां हैं
कि मैं खाने के मैं चबाता नहीं हूं, तो आप उसे ऐसे डालो कि मैं जब भी खाना खाता हूं मैं बहुत धीमे धीमे खाता हूं, मैं आराम से खाता हूं, मैं उस समय सारा ध्यान खाने पे रखता हूं, मैं चबा चबा के खाता हूं और खाने के साथ में एक दो घूंटी पानी पीता हूं। मान लो आपकी हैबिट नहीं रही होगी ऐसे, तो आपको वो चीजें डालनी पड़ेगी फिर इस तरह से जी। तो जो भी कमियां होती है उसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको प्रोग्रामिंग अफर्मेशन बनाना चाहिए और वो प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहिए कि आई एम लाइक दैट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्रेजेंट को बिलीव करता है कि आप हो गए हो ऐसे, तो आपके विजुअलाइजेशन में भी आपको ऐसे ही देखना है। तो फिर क्या होता है, जब 21 दिन महीना भर आप ऐसे विजुअलाइजेशन करके अपने माइंड में जब आप डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, सडनली इट बिकम एन अनदर हैबिट नाउ। देखिए अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करना भी हैबिट है, अच्छी चीजें सलाद फल खाना भी हैबिट है, और मसालेदार चटपटे खाना भी हैबिट है, आलसी पड़े रहना भी हैबिट है। तो अल्टीमेटली जब एवरीथिंग हैबिट ही है, तो आप तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी चाहना वो भीतर आनी चाहिए जी। तो इन सब के बीच अब जब हम देख रहे हैं, आपने विल पावर की बात की, उससे आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है, चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। तो ऐसे में अब जिस तरह का माहौल है आसपास, आप देखिए बीमारी को लेकर बार बार चर्चाएं हो रही हैं, लोगों में एक डर की स्थिति पैदा कर दी गई हो गई है, तो ऐसे में अब किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखा जाए कि हम शारीरिक तौर पर भी उससे जो है मजबूत रहें। देखिए पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा कि जब हम किसी बात पे कमजोर पड़ रहे होते हैं, तो फिर हमें कहानियां सुनाई जाती है महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, और बड़े बड़े जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक जो लड़ते हैं, हमें वो कहानियां सुनाई जाती है। वो कहानियां क्यों सुनाई जाती है, कि जिससे हमारा माइंड में एक जो है ना ये चेंज आए कि नहीं यार मुझे ऐसा, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी बॉडी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे अंदर जो डर जो बीमारियों को लेकर जो आता है, ये एक प्रकार से जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। कारण क्या है मालूम है कि ये सारा डर जो है उन लोगों में ज्यादा है कि जिन लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत कम है, जिन लोगों को हेल्दी फूड खाने की आदत कम है, जिन लोगों को मेडिटेशन करने की आदत कम है, जिन लोगों को पॉजिटिव रहने की आदत बड़ी कम है, और जिन लोगों को कुछ टॉक्सिक हैबिट्स कुछ ज्यादा है, तो ऐसे तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये लोग जो है देखिए इनके अंदर के मन में कहीं ना कहीं एक डर तो पक्का रहता है कि यार मतलब कहीं हमको ना लग जाए, कहीं हम, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि मैं ये दर्जे में जो चार चार कप चाय पीता था ये अच्छी बात तो नहीं थी, मैं ये जो अल्कोहल लेता था ये अच्छी बात तो नहीं थी, मैं जो एक्सरसाइज नहीं करने जाता था ये अच्छी बात तो नहीं थी, मैं टाइम से सोता नहीं था, रात को 2-2 बजे तक इंटरनेट पे बैठता था, ये अच्छी बात तो नहीं थी। तो देखिए ये उनके, आप ऊपर ऊपर से भले ही ऐसे सोचो, पर आपके अंदर के अचेतन मन में ये तो आपको पता ही है कि मैं ऐसा नहीं करता था, तो देन आपके मन में फियर आना बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है। लेकिन पूर्णिमा जी, अगर आप मान लीजिए रोज योगा करती है, आप रोज ध्यान करती है, आप बढ़िया आप हेल्दी फूड चॉइस करती है, आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती है, तो फिर आप छाती ठोक के बोलोगे ना कि भैया मेरे को क्यों होगा, मैं आई हैव टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ, मैंने अपनी हेल्थ की केयर की है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे शरीर में कोई घुस जाए, तो फिर चलो मैं फिर भी प्रिवेंशन तो करूंगी। वो एक आप ऐसे बोलोगी कि मैं प्रिवेंशन तो करूंगी, हाथ धोऊंगी, कि मैं मास्क पहन लूंगी, लेकिन मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने तो बड़ी केयर की है भैया अपनी बॉडी की। तो आप देखोगे कि अभी अभी भी देखिए कोरोना वायरस के जितने भी जो केसेस आ रहे हैं, उसमें बेसिकली हमें ये हमें न्यूज दी जाती है कि आप उससे हर्ड कम्युनिटी यानी कि आप उनसे अफेक्टेड हो जाते हो, आप जिनके संपर्क में रहते हो उससे अफेक्टेड हो जाते हो, ये आपको बताया जाता है। देखिए आज आपको कोरोना के अंदर बताया गया कि ऐसा होता है, लेकिन डेंगू को लेकर और इतनी बीमारियां फ्लू इंडिया में चली, उनके बारे में इतना जोर तोर से कभी नहीं बताया गया कि भाई ऐसे आप संपर्क में आओगे, हाथ मिला दोगे तो भी आपको फ्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं बताया गया। तो लोगों के अंदर आपने देखा कि वो डर पैदा नहीं हुआ, लेकिन आज कोरोना को लेकर बार बार ये बताया गया कि अरे भैया
इनके कॉन्टेक्ट में आते भी आ जाता है जी, ये तो चिपक जाता है जी हमारे साथ में। तो ये बेसिकली क्या मालूम है, इट इज आवर बिलीफ सिस्टम विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। देखिए आपके सबकॉन्शियस में अगर कहीं भी फियर आ गया कि कहीं मेरे को ना हो जाए, मतलब कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो देखिए एक फियर जो है ना वो हमारी बॉडी का सबसे वीकेस्ट समझो कि एनर्जी पंक्चर करने वाला फैक्टर है जी। और हमारे बॉडी में हमारी केमिस्ट्री फियर के कारण, देखिए आपने कभी देखा होगा जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ऐसे कहानी सुनते ना, ऐसे जब बोलते लोग कि डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, तो पीला पड़ने का मतलब क्या है, सारा खून उसका चंद सेकंडों में, एक मिनट, एक सेकंड में अंदर चला गया और बॉडी को जो है एकदम जो है ना सारी खून की नलियां सिकुड़ गई। तो आप जरा सोचिए कि हमारे अंदर जब मतलब हमें डर अगर हमारे दिमाग में आ गया ना, तो हम एक महीने के अंदर अंदर हमारे सारे बाल काले बाल सफेद हो सकते हैं, इतना जबरदस्त डर का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर होता है कि जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं मन के कोने में रहता है कि नहीं मैं इतनी तो केयर करता हूं, और अगर मैं कहता हूं चलो हेल्थ की केयर भी नहीं करें, मैं तो कहता हूं अगर उसके अंदर इतना भी भरोसा है ना, मेरे तो भैया हनुमान जी है भैया, मेरे तो भैया दुर्गा है, मेरे तो शंकर है भैया, अपने आप वो मेरी केयर करेगा बस। तो एक मैं कहता हूं कि एक भरोसा किसी शक्ति के ऊपर भी, वो भी आपको रिलैक्स रखती है कम से कम, और वो आपकी ऑरा एनर्जी को, एनर्जी फील्ड को थोड़ा बढ़ा के रखती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता मालूम है, अरे मेरा भगवान है ना भैया, वो तो वो हर बार उस मेरे काम आता है, मेरी वो देख करता है, मेरी केयर करता है, मैं क्यों डरूं भैया दुनिया में। तो ये जो बिलीफ सिस्टम भी होता है ना, चाहे अपने किसी भगवान का हो, चाइना हो के अफ्रीका भगवान हो के कोई इंडियन भगवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मुसलमानों के अपने कोई अल्लाह खुदा जो भी होंगे, तो जिसके जो बिलीफ है अगर वो स्ट्रांग है तो फिर उसको उसका ऑरा और एनर्जी फील्ड बड़ी होगी एंड ही विल रिमेन प्रोटेक्टेड। तो आपको समझना ये है पूर्णिमा जी के एक्चुअल में वायरस का जो एक्चुअल अटैक नहीं है ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे बोलता है ना, मैं यूं कह सकता हूं कि आपके बाहर ठंडी तो है लेकिन आपने डर के मारे अपनी गर्मी कम कर ली, इसलिए अब आपको ठंड ज्यादा लगने लग गई, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अगर आप थोड़े हीटेड हो गए, आप उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो गए, तो आप देखोगे कि आपको फिर ठंडी नहीं लगती, क्यों, अब आपका खून गर्म हो गया। तो इट इज आफ्टर ऑल यू, वो एदर यू अट्रैक्ट समथिंग और यू डिस्ट्रैक्ट समथिंग बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड योर बिलीव्स एंड व्हाट आर योर बिलीफ, ऑल योर प्रोग्राम्ड सबकॉन्शियस माइंड जो बचपन से आपके दोस्तों से, मित्रों से, टीवी से, उधर से उधर से जो माइंड में चला गया, आप उसी को तो कैलकुलेशन करके कोई विचार पैदा करते हो ना अपने अंदर, अपनी मान्यताएं बनाते हो जी। तो अंत में मैं आपसे डॉक्टर शर्मा यही जानना चाहूंगी कि जब इस तरह का लोगों में एक डर भी है बीमारी को लेके, तो किस तरह की अफर्मेशंस अपने दिमाग में करें, अपने सबकॉन्शियस में करें कि ये ना तो ये डर उनके दिमाग में रहे, बल्कि ये रहे कि नहीं, जो मेरी बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं मैं उनको इन्वोक कर रहा हूँ, या फिर नहीं, मेरी बॉडी बहुत स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहती है और मेरे चारों तरफ एक शील्ड है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, तो मतलब या ब्लेसिंग्स हैं जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह की अफर्मेशंस होनी चाहिए अपने दिमाग में खुद को लेके, और डाइट तो आप अच्छी ले ही लें, साथ में साथ वो सबकॉन्शियस से उस फियर को भी निकालें। देखिए जैसे मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को आपके बिलीफ के ऊपर वो नाचता है, बस आप कहते हो मेरी मेमोरी वीक है, वो कहता है हाँ जी मेरी मेमोरी वीक है, वो मेमोरी वीक कर देगा। आप कहते हो मेरी मेमोरी स्ट्रांग है, वो आपकी मेमोरी स्ट्रांग कर देगा, क्यों, आप बिलीव करते हो। तो अब आपको जो आपने कहा कि किस तरह के ऐसे बिलीफ किए पैदा किए जाए, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, हमें आपके सबसे पहले दिमाग में ये लाना चाहिए कि इतने लाखों सीमेंस में वीर्य कण जो निकलते हैं उसमें, मतलब करोड़ों करोड़ों, उसके अंदर एक सबसे ज्यादा जो मोबाइल करने वाला जो वीर्य कण होता है ना, कुदरत उसको चुनती है दुनिया में, मतलब लाने के लिए गर्भ में उसका जो है उसका गर्भाधान होता है और वो जो है बच्चा बनके दुनिया में बाहर आता है। तो आप जरा सोचिए कि नेचर कितनी चूजी है
कि एक हेल्दी सीमन को जो है चॉइस करती है पहली बात, और फिर आप चाहे माँ घटिया खाना खाएं, भारी खाना खाएं, कैसा भी खाएं, बच्चा तो अंदर 8-9 महीने का डेवलप मैक्सिमम लोगों को हो ही जाता है। तो आप जरा सोचिए कि नेचर कितनी मेरी केयर कर रही है। आपके दिमाग में डायलॉग होना चाहिए कि आई हैव चूजन वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं इतने करोड़ों लोगों में मुझे कुदरत ने अकेले को चुना है। सो आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल। तो ये तो बिलीफ सबके अंदर आना ही चाहिए ना, क्योंकि ये रियलिटी है। ये तो मैं झूठ मूठ मानने को नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप जब बड़े, आपने खाना कम खाया, ज्यादा खाया, आपको कम मिला, ज्यादा मिला, तो भी आप 5-6 फीट के तो बन गए ना। अब आप देखोगे, मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि मैं आज भी रास्ते के चलते फिरते कुत्तों को देखता हूँ, इतनी बढ़िया बॉडी उनकी बनी हुई होती है। मैं बार बार उनको देख के ये सोचता हूँ, इतना कम खाना मिलता है बेचारा, वो खाना भी नहीं मिलता, भूखे मर रहे होते हैं, जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं खाना, उसके बावजूद भी उनकी बॉडी इतनी तगड़ी है। तो आपका भरोसा ये होना चाहिए कि मेरे पूरे ब्रह्मांड के सारे 5 एलिमेंट्स, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर मी, My God, the whole universe which has created me, the सारा ब्रह्मांड मेरे मुझे जीवित रखने के लिए स्ट्रगल संघर्ष कर रहा है, और मेरा परमात्मा, यानी कि जिसको परमात्मा का मतलब मैं कोई विशेष गॉड नहीं, द होल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस एनर्जीज, ये यूनिवर्सल जो हम एनर्जी कहते हैं, वो मेरी केयर कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सर्वाइविंग, माई बॉडी हैज गॉट ए ट्रेमेंडस सेल्फ फीलिंग पावर। जो मेरे अंदर कोई भी चोर घुसता है तो सारी एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में उसको, चोर को मार के भगा देती है। एंड आई ट्रीट माई बॉडी एज ए टेम्पल, आई ऑलवेज प्रोवाइड गुड फूड टू माई बॉडी, आई ऑलवेज प्रोवाइड गुड थॉट टू माई बॉडी। तो आपके दिमाग में, एंड आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाई माई हनुमान जी, माई दुर्गा, माई अल्लाह, माई साई बाबा, वॉट वुड यूर बिलीव, सो माई साई बाबा इज ऑलवेज विथ मी टू गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, टू हील मी। तो आपके दिमाग में ये इस तरह की जो डायलॉग होते हैं ना, ये आपको डेली इस तरह के बोलने चाहिए। वो क्या करता है, वो एक इंटरनल बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है कि भैया मैं तो सुरक्षित हूँ, भैया मेरा तो भगवान मेरे साथ है, भैया भाई मैं, मेरे बॉडी में इस बड़ी जबरदस्त हीलिंग पावर है यार, जो मुझे जरूर ठीक कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ तो आना चाहिए ना आज आदमी के दिमाग में। देखिए प्रॉब्लम क्या मालूम है, प्रॉब्लम जो है इस बात की है, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, दे नेवर गो, मतलब 95% दे नेवर गो टू एलोपैथिक डॉक्टर एंड दे नेवर सफर फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज इन देयर माइंड कि भैया मेडिसिन में नहीं जाना भैया, क्योंकि मेडिसिन खाने से और ज्यादा प्रॉब्लम सप्रेस हो जाएगी मेरी, मान लो उनकी मान्यता ये है, तो फिर उनको क्यों नहीं होती प्रॉब्लम? वो क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि भैया मेरे पास तो होम्योपैथी, मैं तो होम्योपैथी ले लूंगा भैया, भैया मैं तो आयुर्वेदिक जानता हूं, मैं तो चूर्ण वूर्ण खा लूंगा भैया कोई भी। तो व्हाट दे बिलीव अकॉर्डिंग टू दे बिहेव विद देमसेल्व्स। इसीलिए तो मेरा मानना क्या होता है कि आप अपना एक बिलीव सिस्टम 100% पक्का डेवलप करें कि आपकी बॉडी कोई मामूली बॉडी नहीं है। आप जानते हैं परमात्मा ने हमें कैसे बनाया कि अगर हम जमीन, अगर हम बैक्टीरिया के बॉटल की बॉटल भर के पी जाए ना इसकी, तो भी हमारी बॉडी को कुछ नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? हमारी बॉडी में सॉइल चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो ये दिमाग में हर एक आदमी के होना चाहिए कि वायरस एंड बैक्टीरिया दे नेवर अटैक ऑन मी, आई अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ माई सॉइल। जैसे आप कहते हो कि गंदगी कारण मच्छर होते हैं, मैं कहता हूं नहीं, आप कहते हैं कि मच्छर के कारण गंदगी है, मैं कहता हूं नहीं, गंदगी कारण मच्छर है, गंदगी नहीं रहेगी मच्छर नहीं आएगा। तो आप अपने बॉडी को नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लाइफस्टाइल से गंदा मत करो, सॉइल खराब मत करो, तो आपकी जो एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनती है वो इतनी स्ट्रांग बनेगी कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। यू समझ रहे हैं? अभी देखिए कि आज के पेपर में एक बड़ी वंडरफुल स्टडी थी कि जो लोग इंडोर ज्यादा रहते हैं और सनशाइन कम खा लेते हैं, उन लोगों को विटामिन डी की कमी होने के कारण उनकी बॉडी में वायरस के प्रति रेसिस्टेंस नहीं बनता। आज के पेपर में था ये, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो आप जरा समझ सकते हैं कि आज ये नेचुरल फैक्टर जो लोग एंजॉय करते हैं, अच्छी हवा, अच्छी धूप, अच्छा खाना, पॉजिटिव माइंड, योगा है, प्राणायाम है, ये जो करते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस रहता है ना। देखिए आप भी अगर रोज अपने हेल्थ की रोज केयर करती हो मान लो, तो फिर आपके दिमाग में कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में एक कोने में ये तो रहता है ना, यार मैं इतनी केयर करती हूँ, मैं कैसे बीमार पड़ सकती हूँ,
कुछ तो माइंड में ऐसा इतना तो फेद आता होगा। देखिए आज मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए मैंने तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांगली फीड करके ताला लगा दिया है कि मैंने अपने माइंड में एक डायलॉग बोला हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। तो अब क्या हो गया मालूम है, मेरे माइंड में कंटिन्यूस यही चलता रहता है, बीमारी मेरे लिए इम्पॉसिबल है भैया, कहां से आ जाएगी। मैं रोज बराबर अपनी बॉडी की केयर करता हूं, मैं इसको मंदिर की तरह ट्रीट करता हूं, मैं इसको डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं करता, तो फिर अब वो मेरे अंदर मेरी साइकोलॉजी काम तो करेगी ना। तो इसीलिए एवरी पर्सन मस्ट प्रोग्राम देयर माइंड एंड देयर बिलीफ सिस्टम, देयर फेथ सिस्टम, उसको करेक्ट करना चाहिए हर आदमी को। तो अपने बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करना चाहिए, आपकी जो सोच है आपकी, साथ ही आपने विल पावर की बात की, साथ ही आपने क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर भी आपने जोर दिया। तो इन सब बातों को मिला के आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो जी, तो अंत में हमारे व्यूअर्स के लिए इस माहौल में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे खुद को स्वस्थ रखें संक्षिप्त में? ऑलमोस्ट तो मैं काफी बातें बता ही चुका हूं पूर्णिमा जी, लेकिन फिर भी मैं लोगों को यूं कहना चाहूंगा कि भाई स्वस्थ रहने की आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस संसार में मैं आया हूं तो मैं क्यों बीमार पड़ूं, मैं इस शरीर को क्यों बिगाड़ू, मतलब मैं क्यों, क्योंकि मैं इस शरीर को डिशेप क्यों करूं, यानी कि एकदम बेकार सा पेट आगे आ गया, सब चारों तरफ से हमारे फैट वगैरह सब निकल गई, ऐसा ऐसा बेढंगा बेडोल शरीर बनाकर मैं परमात्मा के सामने क्या लेकर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता मालूम है, एक शर्म आनी चाहिए हर आदमी को कि जिस परमात्मा ने मुझे इतनी अच्छी गाड़ी देकर, एक मुझे मर्सिडीज देकर भेजा है कि बेटा इसको चलाना और वापिस लाके मुझे आराम से दे देना, तो अब तुमने क्या क्या उसके टायर पंक्चर कर दिए, उसके सारे ठोक ठोका दिए आसपास से, आपने उसको इंजन को पूरा गर्म करके खराब कर दिया, तो भैया भगवान बोलेगा यार तू तो पूरी गाड़ी इतनी अच्छी दी थी, तू तो पूरा बिगाड़ के लेकर आ गया। तो हमारे योगियों ने बहुत अच्छा सुंदर शब्द कहा कि ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया, कि भाई मैंने भगवान को अपनी चादर जो है बगैर फाड़े और बगैर उसमें कोई परेशान उसमें खराब किए बिना मैंने जाके भगवान को एज इट इज दे दी भैया। तो मेरा मानना भी यह है पूर्णिमा जी के आपको भगवान ने इतना सुंदर जो शरीर दिया है ना, इसको आप बहुत केयर करके इसको मरते दम तक इसको स्वस्थ रखो और फल की तरफ पक्के संसार से जाओ, पढ़कर टूटकर तोड़कर ये मशीनरी को तोड़ तोड़ा के भगवान को जाके मत वापिस दो उससे, मतलब ये एक प्रकार से भगवान के प्रति मैं ऐसा मानता हूँ कि बेवफाई है ये, कि उनके साथ आप भगवान के पास थोड़े धोखा करते हो भगवान के साथ, क्योंकि उसके बड़े विश्वास के साथ हमें शरीर देके भेजा है। जी, तो जैसे सर आपने कहा कि जो हमारा देह है वो देवालय है, शरीर को रोग मुक्त रखना हमारे खुद के हाथ में है, चाहे हम उसे मानसिक तौर पर खुद को अपनी विल पावर से रखें, उसको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी रहेंगे। आदतों में शामिल करें अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अवेयरनेस लाए इस बात की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और जो ऐसी डाइट है जो जिससे मेरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है उससे नहीं लेना, ऐसा ग्राउंड तैयार नहीं करना कि कोई बीमारी उसमें आए। तो इस शरीर को चाहे सावधानी से बचाव रखें, चाहे आप जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं जिस भी माहौल में उसका पालन करते हुए, या फिर अपनी डाइट, अपनी हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल से इसको और विल पावर से इसको सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों को, मैं बहुत बहुत प्यार के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।